बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू ई लर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे हैं जी कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3, और हमारा आज ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट डे है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन क्या है, डाटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बड़ा ब्रीफली बताया गया है। इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे और इसमें जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास ऐसा है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा के बारे में हमने पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो मटीरियल जो सिस्टम को एज इनपुट दिया जाता है, सिस्टम क्या करता है उनको अपने पास स्टोर कर लेता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है ये भी हमने पढ़ा था, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। डिजिटल फॉर्म मीन्स के 0-1 की फॉर्म में डाटा को अपने पास स्टोर कर लेता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो इसमें डाटा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मीन्स क्या होती हैं, जब दो पर्सन आपस में अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम जब कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि दो कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ अपने डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, वो क्या कहलाएगा, डाटा कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो सिंपल वर्डिंग में हम बात करते हैं इसको, चैप्टर का हमारा जो है जो मेन कंसेप्ट होगा वो होगा कि जब दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है या उनको आपस में इस तरह से कनेक्ट करवा दिया जाता है कि वो एक दूसरे को डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, तो डाटा ट्रांसफ़र करने वाला जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा कम्युनिकेशन। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर जो 3 में फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, और दूसरे नंबर पर जो इसका साथ में ही क्वेश्चन ऐड होता है वो एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, डाटा के बारे में अभी एक दो बार रिव्यू हो गया है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं ये भी देख लिया, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स, वो पार्ट्स, वो हिस्से जिनके साथ मिलके एक सिस्टम कंप्लीट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए, यानी कि जिन सिस्टम्स ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है उनको आपस में किसी ना किसी तरह से जोड़ा जाएगा, उनको आपस में कनेक्ट करवाया जाएगा। जब उन सबको आपस में कनेक्ट करवा दिया जाएगा तो वो एक क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिन को यूज़ करते हुए हम कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें सारे कंप्यूटर या सारी डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स होंगे वो एक नेटवर्क के। अच्छा जी, तो हमारा आज का क्वेश्चन क्या था, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डाटा कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इलेक्ट्रिकली मीन्स के हम कोई सोर्स यूज करते हैं, कोई केबल, वाईफाई सिग्नल्स या कोई भी और मीडिया यूज करते हुए डाटा को सेंड किया जा सकता है। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, एक जगह से दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली मीन्स के सिग्नल्स के थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड किया जाता है, इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स। मीडियम्स क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ें जिनके साथ हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें जिनके साथ कह लेंगे हमने दो कंप्यूटर्स को जोड़ के एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन मीडियम्स बोलते हैं। वो जो मीडियम्स हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक तो वो मीडियम जो फिजिकली तौर पर कोई एग्जिस्टेंस रखते हैं, और दूसरे नंबर पर जिनका जस्ट जो सिग्नल्स की फॉर्म में होते हैं, उनका कोई फिजिकली वजूद नहीं होता, वो सिर्फ सिग्नल्स होते हैं। तो केबल्स इसमें आ जाती हैं जो हमारे पास फिजिकली मीडियम है, और जो नॉन फिजिकल मीडियम है वो है वायरलेस सिग्नल्स। केबल में हम क्या करते हैं, केबल में हमारे पास तीन तरह की केबल्स हमने लास्ट टाइम पढ़ी हैं। इसमें एक हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल आ जाती है, इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है, और इसमें थर्ड वाली जो केबल है कोएक्सियल केबल आ जाती है।
तो ये तीन तरह की केबल्स में से किसी भी एक केबल को यूज़ करते हुए हम दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कराते हैं और फिर वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, यानी कि मतलब कि एक दूसरे को डाटा सेंड करती हैं या रिसीव करती हैं। तो इस तरह से डाटा या सेंड या रिसीव करने का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं वायरलेस सिग्नल्स। दो कंप्यूटर्स को या दो डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए बाज़ूकात सिग्नल्स को भी यूज़ किया जाता है। सिग्नल्स में थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें लिमिट थोड़ी होती है, यानी कि कह लें कि लेंथ थोड़ी होती है सिग्नल्स की, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे इनको ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा डाटा ज़्यादा क्वांटिटी में सेंड नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हम सिग्नल्स के जरिए नेटवर्क्स कम बनाते हैं, क्योंकि पावर केबल जो है केबल्स के जरिए डाटा ज़्यादा सेंड किया जा सकता है, इसलिए ज़्यादातर केबल्स को यूज़ किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए। तो दो तरह से नेटवर्क बनाए जा सकते हैं, मीडियम यूज़ करते हैं केबल्स या वायरलेस सिग्नल्स। तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम पार्ट्स जिनसे मिलके हमारे पास कह लें कि एक नेटवर्क बनता है, वो नेटवर्क जिसमें तमाम डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़, जो पहला कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए, वो होता है हमारे पास मैसेज। दूसरे नंबर पे आता है सेंडर, तीसरे नंबर पे रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर। तो ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं, पांच कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के अगर इकट्ठा किया जाता है तो ही हमारा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बन सकता है, अदरवाइज हम कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बना सकते। अगर इनमें से कोई एक पर्सन एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो हमारा नेटवर्क जो है वो कम्प्लीट नहीं होता। तो ये होता है प्रोसेस, ठीक है। ये कंप्यूटर वन आ गया, ये कंप्यूटर टू आ गया, यानी कि ये सेंडर हो गया और ये रिसीवर हो गया, इसने डाटा सेंड करना है और इसने रिसीव करना है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ हो रहा है, जिन दो, ये जो ग्रीन लाइन है इसमें हमने क्या किया कि दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए कोई मीडियम यूज़ किया हुआ है। तो ये मुकम्मल एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कह लें कि जिसे हम डाटा ट्रांसमिशन प्रोसेस बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि पहला कंपोनेंट, इसको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज मैसेज। मैसेज क्या होती है, कोई भी टेक्स्ट, कोई ऑडियो, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई डाटा, कोई भी चीज़ जो हमने सेंड करनी है, वो सारी की सारी वो सारा का सारा मटेरियल है वो मैसेज कहलाएगा। द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन डाटा टू बी कम्युनिकेट। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो हमने कम्युनिकेट करनी है, जो हमने सेंड करनी है। पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज। तो ये मैसेज हमारा टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट मान के जैसे ये सारा कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, नंबर्स यानी कि 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर, पिक्चर्स की शक्ल में हो सकता है, पिक्टोरियल डायग्राम्स हो सकती हैं, ऑडियो, कोई वॉइस, कोई म्यूजिक हो सकता है, और वीडियो और फुल प्लेड मोशन पिक्चर्स जो हैं ये भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें से जो हैं वो मैसेज कहलाती हैं। कोई भी चीज़ जो हमने यूज़र ने दूसरे को सेंड करनी है, एक डिवाइस ने दूसरे डिवाइस को सेंड करनी है, कोई भी चीज़, वो सारी की सारी मटेरियल जो है मैसेज कहलाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है सेंडर। सेंडर हम कंसीडर कर लेते हैं सिस्टम वन को, कंप्यूटर वन को हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो है सेंडर है, इसने डाटा सेंड करना है। वो पर्सन, वो यूज़र या वो डिवाइस जिसने डाटा सेंड करना होता है किसी और डिवाइस को, वो वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। उसने चीज़ को या डाटा को किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना है। इसकी डेफिनेशन है जी, द सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड्स द डाटा मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट, वीडियो कैमरा एंड सो ऑन। तो कोई भी डिवाइस या कोई इंसान जिसने डाटा सेंड करना है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंडर कहलाता है। वर्क स्टेशन एक डिवाइस का नाम है, टेलीफोन के हैंडसेट यानी कि मोबाइल फोन्स, वीडियो कैमराज के जरिए भी डाटा सेंड किया जा सकता है। तो कोई भी डिवाइस जिसके जरिए डाटा सेंड करना है वो क्या कहलाते हैं, सेंडर कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी तीसरा कंपोनेंट जो इसका है, रिसीवर। अब जिसने सेंड किया है उसने तो सेंड कर दिया, अब किसी ने रिसीव भी तो उसको करना होगा ना। जिसने रिसीव कर लिया डाटा, जिसने रिसीव करना होगा डाटा, वो तमाम डिवाइसेस, चाहे वो कोई कंप्यूटर है, कोई वर्क स्टेशन है, कोई कैमरा है, कोई फ़ोन है, कोई भी चीज़ है, जिसने भी डाटा रिसीव करना है, आगे से वसूल करना है, वो वाली डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे। रिसीवर
द रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज. इट कैन बी ए कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, टेलीफोन हैंडसेट, टेलीविजन एंड सो ऑन. तो ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाएंगी? रिसीवर कहलाएंगी. ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? वो सोर्स, वो मीडिया, वो चैनल जिसके जरिए डाटा सेंड किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडिया. अगर हमने दो कंप्यूटर्स को एक केबल के साथ जोड़ा हुआ है तो हमारे पास मीडियम उस वक्त क्या है जिसके जरिए डाटा सेंड हो रहा है? केबल. अगर हम सिग्नल्स के जरिए डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमारा मीडियम उस टाइम क्या है? सिग्नल्स. तो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस जिनके जिनको आपस में जोड़ा गया है किसी चैनल या किसी मीडियम को यूज करते हुए, वो मीडियम चाहे कोई फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम. द ट्रांसमिशन मीडियम इज द फिजिकल पाथ बाय विच ए मैसेज ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. वो जरिया जिसके जरिए डाटा जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडियम. सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इंक्लूड ट्विस्टेड पेयर वायर, ये केबल का नेम है, कोएक्सियल केबल, ये भी केबल का नेम है, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी केबल का, एंड रेडियो वेव्स, ये सिग्नल्स हैं, इनके जरिए सिग्नल्स के जरिए भी डाटा सेंड किया जा सकता है. तो कोई भी सोर्स जिसके जरिए डाटा सेंड करना है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम. इनकोडर, इनकोडर क्या है? अब मैं पढ़ा था कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है किस फॉर्म में स्टोर होता है? डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है. और जब डाटा सेंड होता है मे बी वो एनालॉग फॉर्म में सेंड होता हो, एनालॉग मीन्स के सिग्नल्स की वेव्स की शक्ल में सेंड होना हो, तो डाटा को डिजिटल फॉर्म से उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में उसने सेंड होना है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकोडर बोलेंगे. इसको हमने लास्ट टाइम इनक्रिप्शन के नाम से भी पढ़ा था. नहीं, इसको इनकोडर ही रहने दें, इनक्रिप्शन रहने दें इसको. तो इनकोडर क्या है? डिजिटल फॉर्म से डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में उसने सेंड होना है इसको क्या बोलेंगे? इनकोडर बोलेंगे. उसके बाद आ जाता है जी डिकोडर. द डिकोडर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इनकोडेड सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म. तो अब दूसरी डिवाइस जो रिसीवर था उसने जब डाटा रिसीव कर लिया तो रिसीव करके उसके पास जब डाटा पहुंचा तो उस फॉर्म में पहुंचा था जिस फॉर्म में डाटा ने ट्रेवल होना था, जिस फॉर्म में डाटा को ट्रेवल करना था. अब जब दूसरा कंप्यूटर है तो वो भी कंप्यूटर डिवाइस है तो उसने अपने पास डाटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना है. तो अब जब वो दूसरी फॉर्म में डाटा को रिसीव करेगा और फिर उसको दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा ताकि कंप्यूटर अपने पास उसको स्टोर कर सके, तो उस फॉर्म से जिस फॉर्म में उसने ट्रेवल करना था उस फॉर्म से उसको दोबारा डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना डिकोडिंग कहलाता है. इनकोडिंग क्या हो गया? कि डिजिटल से उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म में उसने सेंड होना था या ट्रेवल करना था. डिकोडर मीन्स डाटा को उस फॉर्म से जिस फॉर्म में उसने ट्रेवल करना था उस फॉर्म से दोबारा उसको अपने डिजिटल फॉर्म में लेके आना, ये क्या कहलाएगा? डिकोडर कहलाएगा. ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे ये कंप्यूटर वन था और ये कंप्यूटर टू था, इसने उसको क्या बोलना था? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोला, ठीक है. तो इसने इनकोडिंग की, उसको 01 की फॉर्म में सेंड कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में उसने उसको सेंड होना था, और बाद में जब उसके पास पहुंचा तो वो दोबारा डिकोडिंग हो गई, उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में उसने उसको डिस्प्ले करवाया था. तो इसके बैकएंड पे भी और भी प्रोसेस होते हैं लेकिन यहाँ पे हमने उसको क्या किया? इनकोड करके 01 की फॉर्म में कर दिया और दोबारा से उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कर दिया जिस फॉर्म में उसको उसने डिस्प्ले करवाना था. जी यही था आज का लेक्चर. अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से आप अपनी क्यूरीज का आंसर ले सकते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.